एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल लगे ना सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सर? ओके, सभी बहुत बढ़िया हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है एंड 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्लीज, वो जरूरी है, पिछली वीडियो आपका देख लेना क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं, तभी आपको मस्त समझ में आएगा। एक रिएक्शन दे दी गई हमें, रिएक्शन है ए प्लस टू बी गिव्स थ्री सी प्लस टू डी, और भी कुछ दिया है उन्होंने, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ बी कितना दिया है भाई, रेट ऑफ डिस अपियरेंस ऑफ बी वो दिया है उन्होंने 1 × 10⁻²⁻ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है हमने, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर वन हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, नंबर टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैलकुलेट करना है, एंड नेक्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपने किस तरह से करना है, हमेशा इसी तरह से करना है, सिंपल बता रहा हूं आपको। तो पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लो, हमेशा आसान यही रहेगा कि पहले आप क्या लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कर दीजिए। ए को क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का टाइम के साथ डिक्रीज होता है, डी ए बाई डी टी। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर आपसे बात नहीं की गई है तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देने वाले हो, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस 1/2 डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/3 डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू, ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 डी डी बाई डी टी। जो कोफिशियंट जाता है वो अपोन में जाता है, अगर आपको पता हो कोफिशियंट कहां पे जाता है, अपोन में जाया करता है, ओके है ना। चलिए अभी इन्होंने अगली बात हमें कुछ दी है, इन्होंने दिया हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, क्या बोल रहे हैं ये, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। मैं आपको बता चुका हूं डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, डिसअपीयरेंस यानी कि माइनस, रेट यानी कि डी बाय डी टी, और बात बी की हो रही है, यानी कि इन्होंने आपको दिया है माइनस डी बी बाय डी टी। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हम कोफिशियंट की बात नहीं करते हैं, तो यहां से क्या होगा, अभी कितनी वैल्यू दी इन्होंने 1 × 10⁻², 10⁻², मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो करते हैं क्वेश्चन पहला स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या सोल्व करने को बोला है, इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो भाई। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप इनमें से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। बट आप देखो यार, आपको थोड़ा बहुत इन्होंने डीबी के बारे में बताया है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन देखो सभी हैं, बट आप इस तरीके से निकाल लो, कोज माइनस डीबी बाई डी टी वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 1/2 डीबी बाई डी टी। तो आपको माइनस डीबी बाई डी टी वैल्यू तो पता है, कितनी है माइनस डीबी बाई डी टी वैल्यू, 1 × 10⁻², एंड इसमें 1/2 एक्स्ट्रा है तो 1/2 लगा दो, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या सोल्व करने को बोला है इन्होंने, सेकेंड इन्होंने सोल्व करने को बोला है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, क्या सोल्व करने को बोला है भाई, रेट ऑफ अपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपीयरेंस है, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है प्लस डीसी बाय डीटी, ये आपने कैलकुलेट करना है प्लस डीसी बाय डीटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, सिंपल देखो आप,
कि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है और जो चीज आपको पता है उनमें क्या रिलेशन है। डीसी बाई डी टी का आपको पता है, सॉरी डीसी बाई डी टी आपको निकालना है और माइनस डीवी बाई डी टी आपको इसका आपको पता है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझना, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बाकी मैं आपको इसका सिंपल ही बताने वाला हूं, मैंने बताया भी हूं आपको। प्लस वन बाय थ्री डीसी बाय डी टी इक्वल ही है ये, माइनस वन बाय टू डीबी बाय डी टी। तो हमें तो प्लस डीसी बाय डी टी की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि वन बाय थ्री जो एक्स्ट्रा इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि ये सारा थ्री से मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी तो माइनस वन बाई टू डीबी बाई डीटी वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई टू डीबी बाई डीटी वैल्यू आपकी आई थी 0.5 एंड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा भाई, ये आपका जाएगा 1.5। अच्छा ये 0.5 ही नहीं था, इसके साथ ये भी था इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी था, तो यहाँ पे भी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बाकी मैंने आपको सिंपल क्या बताया था कि अगर आपको प्लस डीसी बाई डी टी वैल्यू निकालनी है तो इक्वल्स क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन और जो इसका 1/3 जो आपने कोफिशिएंट 1/3 है वो मल्टीप्लाई में लिख दोगे। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रही है। देखिए लास्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कैसे कैलकुलेट होगा भाई, डिसअपीयरेंस है यानी कि माइनस डी ए बाय डी टी, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या करना है, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ रिएक्शन एंड जो रिएक्शन में इसका कोफिशियंट दे रखा है ए का उससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी कोई कोफिशियंट नहीं दे रखा भाई, कोई कोफिशियंट नहीं दे रखा तो ये सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताइए क्या मुश्किल है इसमें, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट है 2NO2 7R2NO+O2। आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 दी गई है, कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ NO एंड O2 एंड दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं भी दी गई ना तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना भाई, न्यूमेरिकल आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस 1/2 डी एनओ टू बाय डी टी इक्वल्स टू, ये है प्रोडक्ट आ गया, तो प्लस 1/2 डी एनओ बाय डी टी इक्वल्स टू ओ टू आ गया, प्लस प्रोडक्ट है कोफिशियंट को ही दे रखा तो अब डी ओ टू बाय डी टी। अभी कुछ और भी इन्होंने दिया है आपको, क्या दिया है इन्होंने बोला है रेट ऑफ डिक्रीज, क्या बात बोल रही है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू इन्होंने दी है, कैसे लिखेंगे, डिक्रीज बोल रहा है वो, यानी कि माइनस डी एनओ टू बाय डी टी। भैया रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल रहा, बाबू बोल रहा है डिक्रीज, तो आप सिंपल लिखोगे माइनस डी एनओ टू बाय डी टी, और कितनी दी है 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है, हमें सबसे पहली बात हमें इसमें कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बट आप कैलकुलेट करोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, आपको पता है माइनस डी एनओ टू बाय डी टी के, तो आप ये वाला तरीका पुट करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किसके बोला है माइनस 1/2 डी एनओ टू बाय डी टी, ठीक है ना। तो माइनस डी एनओ टू बाय डी टी वाले आपको पता है,
कितने पे ये 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 1/2 एक्स्ट्रा है तो 1/2 लिखो, यहां से आंसर आ जाएगा आपका 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकंड। सॉल्व हुई बात। अगली बात क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो, अगली बात बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनओ। कैसे करेंगे भाई, ये अपना सिंपल किया जा सकता है प्लस डी एन ओ बाय डी पी। एंड जब भी इस तरह से कुछ कैलकुलेट करना आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन एंड जो इसका कोफिशियंट है, आप डी एन ओ की वैल्यू निकाल रहे हो, कितना कोफिशियंट है 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है आपकी 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकंड। बात क्लियर होती। अगला क्वेश्चन क्या सोल्व करना है, अगली बात वो सोल्व करने को बोल रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। इंक्रीज बोल रहा है यानी कि प्लस, रेट बोल रहा है यानी कि d बाय डीटी। बात किसकी कर रहा है वो, O2 की बात कर रहा है। तो कैसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वल रख दो इसको रेट ऑफ रिएक्शन की, रख दिया। अभी अगली बात देखो यार कि O2 का कोफिशियंट क्या है, O2 का कोफिशियंट कोई नहीं है तो सिंपल यहां से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर। इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अगर वो एवरेज ना भी बोलता, अगर वो बोल देता टाइम इंटरवल, तब भी वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ अलग अलग टाइम दिए हैं। पहले अभी एक रिएक्शन है C4H9Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोब्यूटेन, इसमें पानी मिलाया ये बन गया ब्यूटेनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, HCl के अंदर। तो अलग अलग टाइम दिए हैं, कोई टाइम जीरो है उस टाइम C4H9Cl की कंसंट्रेशन है 0.100 मोल पर लीटर। टाइम जब 50 सेकंड हुआ, रिएक्शन को स्टार्ट हुए 50 सेकंड हो चुके हैं तो C4H9Cl की कंसंट्रेशन हो गई 0.0905। जब टाइम 100 सेकंड हुआ तो कंसंट्रेशन होगी 0.0820। इस तरह से उन्होंने डाटा दिया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो कैसे निकाली जा सकती है, अगर आपको पता हो जो, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल आर से दिखा सकते हैं, मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर मतलब क्या, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट टू द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अभी हम बात कर लेते हैं टाइम इंटरवल, दिस वन, इस वाले की बात करते हैं। तो मतलब टाइम 50 माइनस 0, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है ना, 50 माइनस 0। अच्छा रिएक्टेंट है तो माइनस भी लगेगा, 50 माइनस 0। एंड ये क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है बताइए, डेल्टा आर में माइनस 0.0905 माइनस 1, सॉरी 0.100। यहां से ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एंड इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, कैसे सॉल्व होगा ये, 0.1000 में से माइनस कर दीजिए 0905, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 9, 0.00, यानी कि आ गया 0.0095, ठीक है ना। वैसे माइनस में आएगा बट ऑलरेडी एक माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर लेना है तो यहां से आपका पहले टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब सेकंड इंटरवल की बात करते हैं, सेकंड इंटरवल मतलब कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, सेकंड इंटरवल में हम जा रहे हैं, वैसे आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर टाइम 0 to 50 सेकंड। अगला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर टाइम 50 to
100 सेकंड। फॉर्मूला वही माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, कैसे होगा देखिए, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 कितना 50 आ गया, ये 0. माइनस लगाओगे एंड 0.0820 माइनस 0.0905 इस तरह से, मतलब जिस जिस टाइम इंटरवल की बात हो रही है वहां वहां पे आप उसका रेट ऑफ, ऐसे आसानी से ही आपके सोल्व हो जाएंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल, क्लियर है ना। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, अगले आगे भी मतलब इसमें टाइम दिया है, फिर ये 300 से सीधा 400 जा रहा है, 500 जा रहा है, 600 जा रहा है, इस तरह से। भैया आपने करना क्या है, 200 माइनस 150 ये डेल्टा टी आ गया, 0.0671 माइनस 0.0741 जो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन है उस टाइम इंटरवल के लिए, और जब टाइम इंटरवल होता है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। क्लियर हुई है बात।